विकास और सुशासन का मोदी मॉडल, इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले एक मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल की गई है। विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली विराट जीत के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो, लेकिन पीएम मोदी का लगातार बीते दो दशकों से आम लोगों से इतना गहरा कनेक्ट कैसे है और क्या है विकास और सुशासन का मोदी मॉडल, इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की सबसे खास बात ये है कि इसमें डोमेन विशेषज्ञों, पीएम के कैबिनेट सहयोगियों और विभिन्न क्षेत्रों की सबसे बड़ी समकालीन हस्तियों ने लेखों के जरिए योगदान दिया है। इसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले एक मुख्यमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल की गई है। पुस्तक को पीपल फर्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट, जनधन एन इकोनॉमी फॉर एवरीवन, ए न्यू पैराडाइम इन गवर्नेंस और वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया एंड द वर्ल्ड शीर्षक से 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सभी वर्गों में विख्यात लोगों द्वारा लिखे गए विभिन्न अध्याय हैं। किताब में प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर की प्रस्तावना है, जिनका फरवरी में निधन हो गया। लता जी के मुताबिक पीएम मोदी अन्य राजनेताओं की तरह नहीं है और न ही उनका सत्ता से कोई लगाव है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरह ही पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को संगठित किया है और विकास को एक जन आंदोलन बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोक्रेसी डिलीवरी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ होप विषय पर एक अध्याय लिखा है, जबकि ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु ने इस बात को सामने रखा है कि क्यों पीएम मोदी अविवादित यूथ आइकॉन है। प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी और इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकर्णी ने मैनेजिंग द पैंडेमिक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी एज ए गवर्नेंस टूल शीर्षक वाले अध्याय लिखे हैं। इस संकलन के अन्य लेखकों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल है। पुस्तक का शीर्षक मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने का संदर्भ है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगभग 13 साल का कार्यकाल भी शामिल है। 2002 में चुनावी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने हमेशा हर चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया है। खुद तो अजय रहे ही, उन्होंने अपने गवर्नेंस मॉडल के चलते बीजेपी को भी हमेशा बड़ी सफलता दिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी।